नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बिलवाड़ा लोकवाणी में। रिपब्लिक भारत के पत्रकार अर्णब गोस्वामी को कारण बिना नोटिस दिए गिरफ्तार करने व हिंदुओं के प्रमुख त्यौहार दीपावली पर आतिशबाजी पर रोक लगाने को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि उद्धव ठाकरे सरकार ने चौथे स्तंभ का गला घोरते हुए बर्बरता पूर्वक गिरफ्तारी की, जो अभिव्यक्ति की आजादी का हनन कर है। वहीं आतिशबाजी पर रोक को लेकर कुठाराघात किया, जो गैर संवैधानिक है। विश्व हिंदू परिषद ने शीघ्र प्रतिबंध हटाने की मांग की है। सरकार द्वारा अर्णब गोस्वामी पत्रकार को बिना कानून के दायरे में और कानून की दादागिरी दिखाते हुए ऊपर कर लो, महाराष्ट्र सरकार के दबाव में इन लीगल तरीके से जो गिरफ्तार किया गया है, उसके विरोध के अंदर आज विश्व हिंदू परिषद बंदल महामहिम राष्ट्रपति से ये मांग करता है ज्ञापन के द्वारा कि आपकी शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, देश स्वतंत्रता अभिव्यक्ति आजादी को जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा दबाया जा रहा है, ऐसे वरिष्ठ पत्रकार राष्ट्रभक्त पत्रकार अर्णब गोस्वामी की तुरंत रिहाई की जाए। और यदि लोकतंत्र का गला दबाने की प्रयास किया, पत्रकारों का स्वतंत्र हनन का प्रयास किया, तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरा हिंदू समाज भारत की जनता सड़कों पर उतरेगी और इस तरह की गुंडागर्दी जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई है वो सहन नहीं करेगी। और इसी के निमित्त राजस्थान सरकार द्वारा जो पटाखों पे आतिशबाजी पे हिंदुओं के पवित्र त्यौहार दीपावली में जो प्रतिबंध लगाया है, उसका विरोध में भी हम गहलोत सरकार से मांग करते हैं कि अतिशीघ्र वो प्रतिबंध हटाया जाए। कोरोना से आतिशबाजी करना से कोई कोरोना नहीं फैल रहा है, पर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के कारण है राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया। एमपी में कोई प्रतिबंध नहीं है, यूपी में कोई प्रतिबंध नहीं है, हरियाणा में कोई प्रतिबंध नहीं है, देश के बहुत से राज्यों में कोई प्रतिबंध नहीं है, पर हिंदुओं की भावनाओं को दबाने के लिए इस तरह से आतिशबाजी में प्रतिबंध लगाया है। यह हिंदुओं के त्यौहार को ना मनाओ हिंदू समाज, इसके लिए कांग्रेस सरकार द्वारा रची गई साजिश है। हम चाहते हैं, कांग्रेस सरकार से निवेदन करते हैं कि अतिशीघ्र पटाखों पे आतिशबाजी पे प्रतिबंध हटाए, नहीं तो पूरा समाज सड़कों पे आएगा। जय श्री राम। विभाग मंत्री गणेश प्रजापत। राजस्थान सरकार ने हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है। राजस्थान सरकार कहती है इससे कोरोना फैलेगा, इससे पॉल्यूशन फैलता है। अरे भाई, पॉल्यूशन तो बकरा ईद के दिन ज़्यादा फैलता है, सारी नदियाँ प्रदूषित हो जाती है, गंदगी फैल जाती है, दुर्गंध फैल जाती है, लाखों लोग बीमार हो जाते हैं, लेकिन उस समय ही सरकार का ध्यान उधर नहीं जाता है। जो ही दीपावली आती है, जो रक्षाबंधन आता है, जन्माष्टमी आती है, उनको ये ध्यान में आता है कि किस प्रकार हिंदुओं को परेशान किया जाए। जिस जिस सरकार ने हिंदुओं को परेशान करने का प्रयास किया है, वह सरकार कभी रही नहीं है। हमारा निवेदन है राजस्थान सरकार से, वो तुरंत फटाखों पर प्रतिबंध हटाए। दूसरा विषय हमारा ये रहा, जो चौथा स्तंभ है हम लोग जनता का न्याय का, वह पत्रकार संवाददाता, ये पत्रकार लोग स्तंभ हैं लोकतंत्र के, इनको स्वतंत्रता का अधिकार है प्रकार की बात बोलने का, लगाई जा सकती हो। लेकिन महाराष्ट्र सरकार को खतरा हो गया कि अर्णब जी गोस्वामी कुछ बात कहेंगे, हमारी सरकार गिर सकती है, इसलिए उनके साथ इलीगल तरीके से गुंडागिर्दी, जैसे गुंडागिर्दी होती है, पुलिस ने उनको घसीट कर वहाँ से ऑफिस से निकाला ले गए। ये बहुत बेशर्म की बात है महाराष्ट्र सरकार के लिए। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठन जो हैं आज मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार तुरंत जो है अर्णब जी गोस्वामी को रिहा करे, तथा दूसरी मांग राजस्थान सरकार से कर रहे हैं पटाखों पर प्रतिबंध तुरंत हटाए। धन्यवाद। Stay updated always with Bhilwara Lokwani News app. हम लाते हैं ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए हर दिन। कभी भी कहीं भी देखें ताजा खबरें आपके मोबाइल पर, देखें न्यूज वीडियोस किसी भी टाइम। हमारे साथ जुड़े रहे और डाउनलोड करें भीलवाड़ा लोकवाणी ऐप, अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। डाउनलोड नाउ। और सब्सक्राइब करना ना भूले आपका अपना भीलवाड़ा लोकवाणी यूट्यूब चैनल।